हेलो एंड वेलकम टू वीनस लॉ क्लासेस। सो गाइस, क्रिमिनल लॉ इम्पोर्टेंट जजमेंट की सीरीज में आज हम एक रीसेंट केस को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज ऑन ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल। सो सबसे पहली चीज, हमें इसको कंफ्यूज नहीं करना है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिट रिमांड। वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सो आज की जजमेंट में हम समझेंगे कि वॉट डू वी अंडरस्टैंड बाई ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल। फर्स्टली प्लीज टेक डाउन द साइटेशन ऑफ द केस। इट इज प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये टू जजेस बेंच का रिसेंट डिसीजन है 2023। आप बोल सकते हो 4-5 दिन पहले ही आया है। सो ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना, शी हैज ऑथर्ड द जजमेंट। पहले इसे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ कि वॉट इज द इशू इन दिस केस। तो पहली बात तो आपको ये देखना है कि कमीशन कहाँ हो रहा है क्राइम का, कहाँ पे एप्लीकेशन लगाई जा रही है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू नोटिस। एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो ऑनरेबल जज अपने जजमेंट में भी लिख रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एक्यूज पर्सन है उन्होंने क्राइम कमिट किया है गोवा में। सो द एक्यूज पर्सन ही हैज इंजर्ड द विक्टिम वेयर इन गोवा। उसके बाद इंजर करने के बाद वो चले जाते हैं उड़ीसा। क्यों चले जाते हैं? बिकॉज ही इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री दैट इज सिचुएटेड इन उड़ीसा। अब यहाँ पे विक्टिम क्या करते हैं, वो एफआईआर रजिस्टर कर देते हैं कहाँ पर? गोवा में, वेयर द क्राइम हैज बीन कमिटेड। अब ये जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं एक्यूज्ड एंटिसिपेटरी बेल की अंडर सेक्शन 438, जो कि सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के सामने लगाई जाती है, वो कहाँ पे लगा रहे हैं? इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या आप एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ये लगा सकते थे बिफोर दी उड़ीसा कोर्ट, या फिर गोवा ही कोर्ट में लगनी चाहिए थी? क्या वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का कोर्ट था गोवा ही? सो दिस इज द क्वेश्चन हियर कि क्या ये एंटिसिपेटरी बेल आप किसी और जुरिस्डिक्शन में भी लगा सकते हो जहां पर क्राइम नहीं कमिट हुआ। सो वेदर द एलिजिड एसेलेंट्स एप्लीकेशन इज मेंटेनेबल और नॉट, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी। अब यहाँ पे सिमिलर, मैंने पहले आपको एग्जाम्पल बताया जो एग्जाम्पल साइट किया गया, सिमिलर केस के फैक्ट्स हैं। वाइफ ने एफआईआर रजिस्टर की है राजस्थान में, हस्बैंड काम करता है बैंगलोर में, और उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल की जो एप्लीकेशन लगाई है उन्होंने वो बैंगलोर कोर्ट में ही लगाई है। सो व्हाट आर द सेक्शंस इन्वॉल्व? सेक्शन 498A, 323, ये आपका क्रुएलिटी का केस था, और हस्बैंड एंड वाइफ, उनका जो मैट्रिमोनियल होम था दैट वाज इन बैंगलोर, उसके बाद वाइफ अपने घर पर आ जाती हैं दैट इज इन राजस्थान, और राजस्थान में वो एफआईआर को रजिस्टर करती हैं, और हस्बैंड अपनी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन बैंगलोर कोर्ट में डालते हैं, और जो कि उनको मिल भी जाती है। सो दैट इज द ऑर्डर, दैट इज द इम्प्यूड ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट दैट इज बीइंग चैलेंज्ड हियर इन दिस केस। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, क्योंकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन लगाई जा रही है दैट इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इन नेचर, वेदर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एंटिसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, कि क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्योंकि अगर आप, मतलब एफआईआर किसी और स्टेट में हो रही है और आप रहते, सपोज आप कहीं और चले गए, तो क्या आप वहां पे एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन डाल सकते हो इन अ डिफरेंट स्टेट? तो वो उस चीजों को हम समझना है। सो अब यहाँ पे इश्यूज मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए हैं, आप इसको स्क्रीन पॉज करके यू मे प्लीज नोट डाउन द इश्यूज ऑफ दिस केस। और ये ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल हम क्यों बोल रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, इज इट द सेम एज एंटिसिपेटरी बेल या फिर ट्रांजिट वर्ड, इसका कुछ सिग्निफिकेंस होगा, ये हम आगे के स्लाइड्स में समझेंगे। अब इन दो केसेस में डिस्कशन आया था ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। हाउएवर द क्वेश्चन वाज केप्ट ओपन, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई रेशो देखने को नहीं मिला, बिकॉज डायरेक्टली इशू में नहीं था ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट। हाउएवर डिफरेंट हाई कोर्ट्स इसको डिफरेंटली कंस्ट्रू करते गए, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट अलाउ कर देते थे ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करते थे,
अगर हम पटना हाई कोर्ट की बात करें तो वो कहते थे कि ओनली द कॉम्पिटेंट कोर्ट, कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन कोर्ट कैन ग्रांट यू द रिलीफ ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, दैट टू ऑफ ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल। अब टाइम आ गया कि हम समझें कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल, इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है। सिमिलरली अपने वापस एग्जाम्पल पे जा रहे हैं, क्राइम कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था, एक्यूज्ड कहाँ चला गया था, उड़ीसा में, बिकॉज ही वॉज वर्किंग इन अ फैक्ट्री। एफआईआर कहाँ रजिस्टर होती है, गोवा में होती है, और वो एप्लीकेशन कहाँ सीक करता है, हमारे एग्जाम्पल में एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ही हैज मूव्ड इन उड़ीसा हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन। अब यहाँ पे ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट कैसे आता है हमें वो समझना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि उड़ीसा हाई कोर्ट इस एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को अलाउ तो कर देंगे बट फॉर अ लिमिटेड पीरियड। लिमिटेड पीरियड मतलब कि वो सिर्फ उनको उतने टाइम पीरियड के लिए एंटिसिपेटरी बेल का रिलीफ दे देंगे जितने में वो इनेबल हो जाए कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने प्रेजेंट होने में, एंड अल्टीमेटली ही हैज टू मूव एप्लीकेशन बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट दैट इज इन गोवा। यानी कि यहाँ पे उनको एक इंटरिम रिलीफ मिल जाएगा लिमिटेड एंटिसिपेटरी बेल का। अब इन ट्रांजिट क्यों कह रहे हैं, बिकॉज विद इन दिस पीरियड ही विल बी मूविंग फ्रॉम उड़ीसा टू दिल्ली, यहाँ पे इनको इंटरिम रिलीफ मिलेगा दैट टू ऑफ अ लिमिटेड पीरियड, एंड अल्टीमेटली ही विल बी मूविंग टू द गोवा कोर्ट फॉर द रिलीफ, एंड दैट इज हाउ द टर्मिनोलॉजी केम ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल। अब हमें पॉइंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट समझने हैं कि जो हाई कोर्ट्स कह रही हैं कि सिर्फ कॉम्पिटेंट कोर्ट ही अलाउ कर सकती हैं, वो किस बेसिस पे कह रहे हैं। और फिर हमें समझना होगा कि जो हाई कोर्ट्स एक लिबरल व्यू लेके चल रहे हैं दैट इज इन लाइन विद पर्सनल लिबर्टी ऑफ द एक्यूज्ड, वो क्या इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। सो अगर इफ यू रीड सेक्शन नंबर 438 दैट इज डीलिंग विद एंटिसिपेटरी बेल, तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज करी गई है द हाई कोर्ट और द सेशन कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि ये जो डेफिनेट आर्टिकल का आप यूज कर रहे हो, इट शोज कि जिस कोर्ट का लोकल जुरिस्डिक्शन बनता है वही कोर्ट कॉम्पिटेंट होगी टू ग्रांट दी रिलीफ। दिस इज दी फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसे एप्लीकेशन अलाउ करोगे सो इट विल अमाउंट टू फोरम शॉपिंग। फोरम शॉपिंग का क्या मतलब होता है कि यू गो टू अ कोर्ट ऑफ योर चॉइस, कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी कोर्ट में चले जाते हो विच इज मोर कन्वीनियंट टू यू। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे तो क्या होगा कि हर एक्यूज्ड, यहाँ पे सपोज दिस इज द एक्यूज्ड, उसको लगता है कि यहाँ से मुझे रिलीफ मिल सकता है एंटिसिपेटरी बेल का, मे बी ही इज हैविंग द मोर कनेक्शंस इन दैट स्टेट, कि उनके उन स्टेट में ज्यादा कनेक्शंस हैं तो उनको लगता है कि इस स्टेट में चला जाऊं तो एंटिसिपेटरी बेल मिल जाएगी। सो यहाँ पे क्या होगा, इट विल अमाउंट टू फॉरेन शॉपिंग, कि आप जहां जाना चाहते हो आप वहीं जाओगे। सो दैट इज नॉट द आइडिया ऑफ क्रिमिनल जस्टिस कि आप ऐसा करो। सो यहाँ पे इसलिए ये लोग अपोज करते हैं, यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं द आर्टिकल का एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन शॉपिंग, कि हमें इसको क्या करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। सो लेकिन कुछ हाई कोर्ट्स इसको लिबरल कंस्ट्रक्शन देती हैं कि नो, क्योंकि पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, क्योंकि 438 का इसका अगर हम जाने कि इसकी जो लीगल हिस्ट्री है वो क्या रही है, टू अवॉइड आर्बिट्ररी अरेस्ट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन लाइन विद आर्टिकल 21 हमें इसे लिबरल कंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो आपने आर्टिकल द वर्ड यूज किया है बिफोर हाई कोर्ट और द हाई और द कोर्ट ऑफ सेशन, इसका नेसेसरली ये मीनिंग नहीं है कि दैट ओनली द कोर्ट दैट इज हैविंग द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन दैट कोर्ट कैन ओनली ग्रांट द बेल। ऐसा कोई नेसेसरी कंस्ट्रक्शन नहीं है द आर्टिकल की। फिर हम चलते हैं कि यहाँ पे
कि एब्सोल्यूट बार लगा देना सोली ऑन द ग्राउंड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ऐसी कोई कंडीशन इज नॉट साइटेड अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। ऐसा 438 में तो कोई भी कंडीशन नहीं है कि ज्यूरिसडिक्शन होगा, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होगा, देन ओनली द कोर्ट कैन ग्रांट रिलीफ। और मोर ओवर ये जो आप बोल रहे हो कि ये काफी एनोमलस चीज हो जाएगी, इस चीज को रीड करना कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन वाली कोर्ट ही रिलीफ को ग्रांट करे। हमें इन लाइन विथ पर्सनल लिबर्टी इन इश्यूज को समझना चाहिए। सो ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 21, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि हमें इसको लिबरल कंस्ट्रक्शन देना चाहिए। सो लास्टली वी आर ऑफ द व्यू दैट कंसिडरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सिटीजन्स राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड डिग्निटी, द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट ग्रांट लिमिटेड एंटिसिपेटरी बेल इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरिम प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी। यानी कि कोर्ट ने अपने रेशो में कहा कि वी शुड अलाउ ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन इफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस डिमांड सो। अगर ऐसा है तो हमें इसको अलाउ कर देना चाहिए। अब हमने एक आर्ग्यूमेंट ट्रेस किया था, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फॉरम शॉपिंग, कि ऐसे तो इट विल अमाउंट टू फॉरम शॉपिंग। सो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो यू कैन ग्रांट द रिलीफ ऑफ लिमिटेड एंटिसिपेटरी बेल, हाउएवर बिफोर ग्रांटिंग दैट रिलीफ देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट आर टू बी फुलफिल्ड, कि कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। कि जैसे कि आप ऑर्डर पास करने से पहले जहां पर एफआईआर हुई है वहां की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्या करो, आप इस फैक्ट को उनकी नॉलेज में ले आओ कि एक्यूज ने इस जुरिस्डिक्शन में एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन मूव कर दी है, सो दैट उनको कुछ फैक्ट्स पता चल पाए और पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको अपोज कर पाए। हाउएवर ऑल्दो इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल दिस रिलीफ कैन बी ग्रांटेड विदाउट नोटिस, क्योंकि वो तो एंटिसिपेटरी बेल में भी हो सकता है, विदाउट नोटिस इंटरिम कैन बी गिवन। दूसरा है कि जब आप इस एप्लीकेशन को अलाउ करते हो इंटर स्टेट अरेस्ट के केसेस में, जब आप इस एप्लीकेशन को अलाउ करते हो तो आपको रीजंस बताने पड़ेंगे, यू हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस व्हाई यू आर ग्रांटिंग दिस बेल एप्लीकेशन। थर्डली द जुरिस्डिक्शन इन विच द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस हैज बीन टेकन डज नॉट एक्सक्लूड द सेड ऑफेंस फ्रॉम द स्कोप ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज कोई स्टेट अमेंडमेंट है और उस स्टेट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एक ऑफेंस में एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन मिल ही नहीं सकती, तो या नाउ अब आपको लगा कि ओके यहाँ तो नहीं मिल सकती, यू आर मूविंग टू द अनदर स्टेट कोर्ट, कि आप दूसरी कोर्ट में दूसरे स्टेट में चले गए कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ, दैट कैन नॉट बी डन। फोर्थली कि एप्लीकेंट को ये बताना पड़ेगा कि आप दूसरी स्टेट में क्या कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यू आर जस्ट मूविंग टू दी अनदर स्टेट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन रिलीफ, कि आप रिलीफ पाने के लिए दूसरी स्टेट नहीं जा सकते। आपको एक प्रॉक्सिमिटी, एक कनेक्शन बताना पड़ेगा कि वाई यू आर इन अनदर स्टेट, कि क्या आपका रेजिडेंस है, क्या आपका वहां पे वर्क प्लेस है, आप क्यों मूव हुए हो। फिर आपको बताना पड़ेगा नॉर्मल कि क्या क्यों आपको लगता है, क्या रीजनेबल एंड इमीडिएट थ्रेट आप फील कर रहे हो दैट यू आर मूविंग द एप्लीकेशन। सो दैट इज द थिंग कि क्या कोई मेडिकल स्टेटस और डिसेबिलिटी इसके कारण आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लिमिटेड एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन इसको मूव कर रहे हो। सो आई होप आपको सारा केस समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, एंड जो भी थोड़ा नॉइस हो रहा है आज की क्लास में पीछे उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बट यू कैन रेफर टू द स्लाइड्स एंड दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट पीजी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।